हर जुमा को मैं अर्ज करता हूं कि फलस्तीन में जो कुछ हो रहा है वो हमारे दिल का एक बहुत बड़ा जख्म है जो जिसकी संगीनी को अल्फाज में बयान नहीं किया जा सकता। 30,000 से ज्यादा शुहादा, जिनमें बहुत बड़ी तादाद औरतों बच्चों की है, इस जालिम दुश्मन ने उनको उनके साथ जो बहशत और बर्बरियत का मामला फरमाया है उसकी तारीख में नजीर मिलनी मुश्किल। और अफसोसनाक बात यह है कि इस जुल्म और बर्बरियत पर गैर मुस्लिम दुनिया चीख रही है, मुजाहरे कर रही है, अपनी हुकूमतों से मुतालबे कर रही है कि इस जंग को बंद कराए और इसमें उसके साथ न दे। लेकिन इंतहाई अफसोस का और शर्म का मकाम है कि आलम इस्लाम मराकश से लेकर इंडोनेशिया तक इस तरह चुप साधे बैठा है जैसे कुछ हो ही नहीं रहा। ले देखकर बेचारे अलजजायर ने अक्वामे मुत्तहिदा में करारदाद पेश की, गनीमत है कि वो मंजूर होगी, लेकिन सारी जबानी जमा खर्च हो रहा है और लोगों को तो और दूसरी हुकूमतों को और दूसरे आलम इस्लाम को ये तौफीक नहीं हुई कि इस कत्लेआम की मुजम्मत में ही दो कलमे कह देते जाए कि उनको उनकी कोई मदद करते, जाए कि उनको अस्करी तौर पर यह मदद पहुंचाते। ये हम उस कारे मजल्लत में गिर गए हैं कि जिससे आगे का तसव्वुर करना मुश्किल है। ऐसे कारे मजल्लत में हम गिर गए। अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में फलस्तीन के मुसलमानों की फतह के लिए, बैतुल मक़दिस की आजादी के लिए अल्लाह ताला के सामने फरियाद करो। मस्जिद अक्सा पुकार पुकार कर हर मुसलमान से ये मुतालबा कर रही है कि मुझ पर हमला हो रहा है, मुझ पर यलगार हो रही है, मुझे गिराने के मंसूबे बनाए जा रहे हैं, मुझे मुनहदिम करने के मंसूबे बनाए जा रहे हैं। ए मुसलमानों, तुम कहां हो? मगर हमारे हुक्मरानों के कानों पर जू नहीं रिंगती। लिहाजा अल्लाह ही से मांगो। अल्लाह कमल हकीमीन है, सारे बादशाहों का बादशाह है। या अल्लाह अपने फजल करम से हमारे हुक्मरानों को भी होश दिला दीजिए, हमारे हुक्मरानों को भी होश आ जाए कि हमारे भी कुछ करने का काम है और वो इस मामले पर अहले फलस्तीन की मदद करें। और हम जिनके हाथ में कोई ताकत नहीं, कोई फौज नहीं, हम कम से कम इतना तो कर सकते हैं कि उनके लिए दुआ करें, जो कुछ माली इमदाद हम पहुंचा सकते हैं वो माली इमदाद पहुंचा दें और अल्लाह ताला की बारगाह में दुआ करें। देखो, दुआ जो है अगर मुसलमान सच्चे दिल से करें और सारे मुसलमान मिलके करें, ये बहुत बड़ा हथियार है, ये मिसाइलों से ज्यादा बढ़कर है यह हथियार, अगर सब इसका एहतमाम कर ले। इसका भी एहतमाम किया जाए, अल्लाह तबारक व तआला अपने फजल व करम से हमें कुफार के जुल्मों से तम से निजात अता फरमाए और सही मानों में आजाद मुसलमान रियासत हमें बनने की तौफीक अता फरमाए। वाखिर दावाना अलहम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।